आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही आपसे रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन से कैसे जुड़े हैं और आपको कैसे इसके बारे में जानकारी मिली? मेरा प्रोफेसर अनिल कुमार जी से, श्रीराम कॉलेज वालों से बहुत पुराना संबंध है, और जब प्रोफेसर योगेश सिंह जी जो हमारे पुराने आईपी यूनिवर्सिटी से ही वीसी बनकर गए, तो बड़ा स्वाभाविक सा हमसे प्रेम है पिछले 25 साल से। तो जब शताब्दी वर्ष के लिए बातचीत चल रही थी, मिलना जुलना हुआ, उस समय ये पता चला कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी पुराने छात्रों को एक जोड़ने के लिए फाउंडेशन का रचना की है। इससे पहले हंसराज कॉलेज के एलुमनाई के नाते में पिछले 25-30 साल से आना जाना था, परंतु यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा कोई फोरम नहीं था, और बड़ा अजीब लगता था कि 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है ये। परंतु योगेश सिंह के अंदर जो डायनेमिज्म है, और उन्होंने अनिल कुमार जैसे व्यक्ति को श्रीराम कॉलेज से लेके ये काम सौंपा है, और आप जैसे लोग इससे जुड़े हैं, तो अच्छा लगा। फिर ये पता चला कि कॉर्पस बनाना है और इसके माध्यम से यूनिवर्सिटी में कुछ सेवा के काम और बढ़े, स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम और कोई प्रोजेक्ट परमानेंट चले, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं जाके अपना भी एक कंट्रीब्यूशन दिया और उनको भी परसुएड किया, और मैंने तो कहा था योगी जी के मैं थोड़ा टारगेट बड़े रखो, क्योंकि इतना पुराना परिवार है ये, 6 लाख स्टूडेंट पढ़ते हुए एट ए टाइम, और 100 साल में कितने पास आउट, और पास आउट होके भी पास आउट होके मतलब रिटायर हो चुके हैं। तो मैं टारगेट बड़ा रखा, और मेरे हिसाब से तो जैसे विश्व में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के पास अपना इतना कॉर्पस है कि वो सरकारों पर डिपेंडेंट नहीं, तो स्थिति मुझे लगता है आएगी, और ये बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ है। और अब ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे। आज जो भी एक खुद ही रिटायर हो गए हैं प्रोफेसर हैं, आज सर्विंग लोग भी मेरे ख्याल कम से कम 15-16 हजार तो टीचर होंगे, उनमें से शायद 90% यहाँ के विद्यार्थी भी रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए आगे भी कोई काम होगा मेरे लायक, क्योंकि मेरा भी दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 कॉलेजों से सीधा संबंध रहा। महाराजा अग्रसेन कॉलेज मैंने स्थापित किया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का मैं चेयरमैन 1990 में था, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की स्थापना से लेकर उसके भी आज कितना बड़ा टाइम बीत गया, 91 से 2023 आ गया, तो उसके भवन बनवाने, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मैं उसका भी गवर्निंग बोर्ड का मेंबर रहा, और यहीं से मैंने MSc किया केमिस्ट्री में, और यहीं से मैंने एमरजेंसी के बाद जेल में आने के बाद मैंने लॉ ज्वाइन किया, जबकि कोई मुझे आवश्यकता नहीं थी, पर 1970 से 1980 लॉ सेंटर बंद से मैंने LLB किया, और बाद में मुझे देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो 100 साल हो चुके हरिद्वार में गुरुकुल, उससे मुझे ऑनरेरी DSc की डिग्री भी मिली, और शिक्षा के क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूँ। महाराजा अग्रसेन के नाम पर चलने वाले बहुत से हॉस्पिटल, कॉलेजेस, धर्मशालाओं से पूरे देश में जुड़ा हुआ हूँ। तो शिक्षा और संघ ने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही जोड़ दिया, क्योंकि मैं जब हंसराज कॉलेज में पढ़ता था तो 71 की वार जब हुई, उस समय थोड़ा सिविल वार्डन के तौर पे भी काम किया, और हंसराज कॉलेज की जो पार्लियामेंट होती थी उसका मैं निर्विरोध निर्वाचित MSc से MP भी था, और मनोज वर्मा उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो यादें हैं पुरानी, और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाने का मन था यूनिवर्सिटी में, परंतु केमिस्ट्री में वैकेंसी ही 72 में शायद 1 निकली थी, और मेरे ही टीचर प्रोफेसर सिंधवा ने मेरे से साथ में बैठे थे, तो मैं तो बाहर से ही वापस आ गया था, मैं शायद भगवान मुझसे कुछ और कराना चाहता, और कुछ और करा भी लिया भगवान।